अब बात करते हैं रथ यात्रा की। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको दिखाते हैं चार तस्वीरें। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकली, अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलने से पहले गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, मंगला आरती में भी वो शामिल हुए। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ जगन्नाथ यात्रा को निकालने की इजाजत दी गई, जबकि ओडिशा के पुरी में लगातार दूसरे साल बिना श्रद्धालुओं के ही रथ यात्रा निकाली जा रही है और ऐसा कोर्ट के आदेश की वजह से हो रहा है। पुरी में रथ यात्रा का सालाना उत्सव 9 दिनों तक चलता है। आज भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा, जहां पर 8 दिन रुकने के बाद एकादशी के दिन भगवान वापस अपने घर लौटेंगे। वहीं भगवान जगन्नाथ की लीला को दिखाते हुए सैंड आर्टिस्ट मनस कुमार ने मिट्टी पर अलग अलग दृश्य उकेरे। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली और इस यात्रा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुंडीचा, पतित पावन यात्रा, जनकपुरी और नव दिवसीय यात्रा। आज से शुरू हुई ये यात्रा 20 जुलाई तक चलेगी, यानी कि 9 दिनों तक। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना गाइडलाइंस के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। ABP News आपको रखे आगे।